इस मॉडल को यकदार कहते हैं, ये फाइबर के, इसको हम कायक कहते हैं बलूची ज़ुबान में, और इस मॉडल को हम गालेट कहते हैं। ये एक हफ्ते के लिए समंदर में जाता है, यहाँ पर मच्छी सुखाते हैं, फिर ये सेल करते हैं। ये सारे सूखने के लिए रखे हैं, फिर उनको सुखाते हैं, उसके बाद ये सेल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरीद बलूच, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरीद ग्वादरी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वादर जीटी, ग्वादर मिनी पोर्ट, और आज मेरे साथ है ज़ीशान हैदर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ ज़ीशान हैदर और मैं फरीद ग्वादरी के साथ आया हूँ। उधर जीटी में हम आपको मछली के बारे में जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अपने दोस्तों पर ज़रूर करें। मेरा नाम इस्माइल भाई है, मैं यहाँ पर छोटा मोटा व्यापारी हूँ, मेरा मछली का दुकान है। सबसे पहले मैं आपको सबका रेट बताता हूँ। ये है मुश्का, 350 रुपये इसका रेट है। अभी तो फिलहाल महंगा चल रहा है, गर्मी में थोड़ा सस्ता होता है। उसके बाद है ये गर्जी का पा, ये 400 रुपये इसका रेट है। उसके बाद है ये गिदिर मछली, अभी फ़िलहाल 450 चल रहा है। मंडी में 360-380 में चलता है, अभी हमारे पास 450 है। उसके बाद ये है दंडिया, अभी महंगा है, 400 में जा रहा है। गर्मी के मौसम में उधर मंडी में इसका रेट होता है 120-130, हम लोग 200 में बेचते हैं, अभी फ़िलहाल 400 है, 350 में सर। उसके बाद सारम, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं इसे, लेकिन शायद साइमन कहते होंगे, इसका रेट अभी 350 रुपये है। राजो, ये भी एक ही मछली है, सारम सारे एक जैसे। ये वही है मुश्का जो मैंने आपको शुरू में बताया। उसके बाद ये लॉबस्टर, ये ज़िंदा मछली है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। इसका कितना केजी? इसका केजी रेट, इसका रेट जो ज़िंदा होता है ना, इसका रेट 3000 या 3500 तक होता है। एक केजी? एक केजी, हाँ। जब ये मर जाता है तो इसका केजी होता है 1200 रुपये। ये कितने देर तक ये ज़िंदा होता है पानी के बगैर? ये बगैर पानी के मेरे ख्याल में 3-4 घंटे तक, उससे भी शायद ज़्यादा ज़िंदा रह सकता है। देखो ये ज़िंदा है अभी भी। उसके बाद ये सोरमाई, हम इसे सोरमाई कहते हैं उर्दू में, पता नहीं क्या कहते हैं इसे। इसका रेट अभी 450 चल रहा है, मैंने 400 में खुद उठाया ये। उसके बाद ये किंग फिश, ये मछलियों का सरदार है, गोर सुरमई बाशा, इसका फिलहाल अभी 1000 रुपये चल रहा है। अगर नहीं हो तो इसका 1200 भी चलता है, बिल्कुल सबसे किंग मच्छी फ्रेश, ये असल माल है, मछलियों का सरदार, देख सकते हैं। ये कितना केजी है अभी? ये 22 केजी है, बिल्कुल 22000 का। मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं एक मॉल होल्डर हूँ। ये ग्वादर पेशावर बहराल के अंदर हमारी जो फिश आई हुई हैं, ये हमारे कश्तियाँ यहाँ से बर्फ़ लेके एक महीना 10 दिन 15 दिन के अंदर समंदर से वापस आते हैं। जो इनका शिकार है आपके सामने है,
जो मछलियाँ हर किस्म के मछलियाँ इसमें मौजूद हैं जो हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, और यहाँ पर हमारे जो मॉल के निज़ाम के तहत हम उनको ऑक्शन करते हैं, जो हमें ज़्यादा रेट देता है उस मछली को यहाँ फरोख्त करते हैं, और यही मछली बाज़ार में आपको 100-200 रुपये ज़्यादा कीमत में मिलेगा, यहाँ हमारे मार्केट के अंदर आपको कम कीमत में मिलेगा। और बाकी हमारे पास हर किस्म की मछलियाँ समंदर में मौजूद हैं, हर सीज़न के ऊपर हम उसके शिकार करते हैं, डोरी के टाइम डोरी करते हैं, जाले के टाइम जाल करते हैं, हर तरीके के हमारे शिकार यहाँ होता है। सुरमाई है जो डोरी से निकालते हैं, स्पोर्ट होता है, ये बाहर के मुल्कों में जाता है, यहाँ से दुबई जाता है, सऊदीया जाता है, और वाइट पापलेट है, डामा है, ये भी सऊदीया जाते हैं, बाहर मुल्कों में जाते हैं। ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर स्पोर्ट होता है, यहाँ से हम बेचते हैं कराची, कराची से बाई एयर ये स्पोर्ट होता है। बाकी लोकल मच्छी भी हमारे पास है, वो थोड़ा सस्ते रेट में होता है, जो लोकल मच्छी सारम है, सूली है, दोतर है, और दो चार किस्म तो बहुत है मछलियों के हमारे पास, तो लोकल ही हम बेचते हैं मछलियों को। और बाकी हमारे पास फैक्ट्रियाँ पर है जो बांगड़ा लीवर चंद वगैरह पैकिंग करते हैं, हमारे लोकल मार्केटों को थोड़ा अच्छा रेट मिल जाता है फैक्ट्रियों के ज़रिए। और इस मछली के अंदर हमारा जो छोटा मछली आता है लीवर वगैरह हो चुके, जो बीग रेट हो जाते हैं, कुछ बीग रेट जो बड़े साइज़ होते हैं हम उसको नमक लगा के कुछ करते हैं, जो बिल्कुल सी ग्रेड हो जाते हैं फिर उसको हम पोल्ट्री फार्म वालों को देते हैं, वो यहाँ उनको गंद करते हैं, उनको पोल्ट्री फार्म वाले लेते हैं, उनको कुछ करके उसका पाउडर बना के चूज़ों वगैरह को खिलाने के लिए वो इस्तेमाल होते हैं। अभी हम आ गए फैसल भाई के पास, फैसल यहाँ का एक छोटा सा व्यापारी है, और फैसल से पूछते हैं वो कौन कौन सा यह मछली लेता है और इनके रेट और इन मछलियों के हवाले से हमें कुछ मालूम दे रहा है। मछली अलग अलग आइटम की होती है, मतलब एक दरिया से मछली आती है तो मैं लेके पैक करवाता हूँ कराची के लिए, तो हमारे पास बहुत सारे आइटम हैं, 3-4 आइटम है मछलियों के, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सोल सॉरी सोल बोलते हैं, और उनमें ग्रेडिंग जब ये दरिया से आते हैं तो उनमें ग्रेडिंग होती है अलग अलग टाइप की, मतलब साइज़ ग्रेडिंग होती है, उसके बाद ये जब जाले से छुड़ाए जाते हैं तो उनमें कोई कट वगैरह लग जाए तो वो अलग ग्रेडिंग होती है, वो ख़राब हो जाती है। तो ये सोल है, ये मतलब ये ग्राम किए जाते हैं, अगर ये आधा किलो से कम है तो इनका जो रेट है वो 300 रुपये किलो है, और अगर ये आधा किलो हो या आधा किलो से ज़्यादा हो तो उनका रेट 500 रुपये 550 रुपये होता है। तो मैया बोलते हैं ये, मतलब अभी फ़िलहाल तो छोटे तो ये ज़ाया होकर चलेगा नहीं, जिनमें बड़ा साइज़ आता है वो तकरीबन 700-650 का किलो होता है, तो वो हम लोग कंपनी बेचते हैं, कंपनी से चाइना एक्सपोर्ट चाइना भेजा जाते हैं। फिलहाल ये तो बहुत छोटा है, ये नहीं चलेगा, ज़ाया हो गया। और इसमें ये चीज़ है, ये देखें हाथ में कालक लग जाता है, ये स्याही फेंकते अपने मुँह से, और ये जब ज़िंदा होता है ना तो इसका ये जो नोक है ना ये बड़ा ख़तरनाक होता है, ये चिपक जाता है, किसी मछली में अगर चिपक गया ना तो उसका सारा खून या सारा गोश्त चूस लेगा, पक छोड़ेगा नहीं, ये चीज़ का ख़तरनाक होता है। ये जाले में भी आते हैं, और इसे कुल्ला कुंडी होता है एक बड़ा, उससे भी पकड़ा जाता है ये। फिलहाल ये तो ज़ाया हो गया, बहुत छोटा है। टाइम होता है ये केकड़ आता है ब्लू नस्ल में, इधर ना ये ब्लू नस्ल में आता है, ये भी बहुत ध्यान से और इत्मीनान से छुड़ाना पड़ता है, अगर कोई गलती से इसका एक दांत भी टूट गया तो ये चलेगा नहीं, ये तो ख़राब हो जाएगा, फिर ये नुकसान हो जाएंगे, क्योंकि इतने मेहनत से दरिया में आते हैं पकड़ के लाते हैं, अगर ये ख़राब है तो बेकार है, इनके सारे सही और ठीक होना चाहिए ना, एक दांत टूटा और नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनका रेट आता है तकरीबन 350 रुपये किलो तक होता है। और ये ब्लू केकड़ा फ़िलहाल अभी तो खैर मरा हुआ है, मगर ये जब छुड़ाते हुए ज़िंदा होते हैं तो बहुत इत्मीनान से और बहुत संभाल के छुड़ाना पड़ता है, गलती से उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो आपका जिस जगह से पकड़े उस जगह से तो गोश्त ही निकाल देगा, क्योंकि बहुत ख़तरनाक और बहुत ज़ोर से काटता है ये बहुत ख़तर, बहुत इत्मीनान से छुड़ाना पड़ता है, और जो लोग नाखुदा लोग छुड़ाते हैं उनके बहुत सारे लोग तो हाथ ज़ख्मी हो ही जाते हैं, तो फिर भी क्या करें, उनकी रोज़ी है ये, तो उनको कमाना पड़ता है, जाना पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा तो बहुत पसंद आया होगा।